नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। देवरी मध्य प्रदेश के सागर जिले के देवरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत केसली ब्लॉक के करीब 20 ग्रामों के किसानों को कृषि के लिए कई वर्षों से पानी की भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण वहां पर फसलों की उपज पर सीधा असर पड़ता है। साथ ही वहां अन्य जगह के किसानों की अपेक्षा फसलों में काफी मात्रा में फसलों की उपज होती है, जिसकी समस्या के निराकरण के लिए किसानों द्वारा क्षेत्रीय विधायक हर्ष यादव को मांग पत्र सौंपा गया था, जिस मांग को विधायक द्वारा करीब 56 करोड़ की सूरजपुरा जलाशय परियोजना शीघ्र स्वीकृत कराई गई थी, जिसमें संबंधित विभाग व ठेकेदार की लापरवाही के कारण 6 वर्ष में परियोजना पूर्ण नहीं हो पाई। साथ ही उसमें जमकर भारी मात्रा में भ्रष्टाचार किया गया, जिससे नाराज विधायक हर्ष यादव ने निर्माण कार्य गुणवत्ता के साथ शीघ्र प्रारंभ करने की संबंधित अधिकारी को चेतावनी दी एवं स्पष्ट तौर पर कहा कि निर्माण कार्य प्रारंभ न होने पर संबंधित विभाग प्रशासन के खिलाफ धरना और जल सत्याग्रह करने की बात कही गई। मैं आपका मुकेश यादव नहरमऊ। अच्छा, जो आपके यहाँ सूरजपुरा बांध की जो नहर निकली है वो कितने समय से ऐसी निर्माण कार्य चल रहा है? 2014-15 से काम चालू है। इसमें सभी 15-20 गांव के किसान परेशान हैं और ये शिकायत हम लोग कलेक्टर के यहाँ भी दे आए, कलेक्टर के यहाँ आवेदन दे आए, वो गांव के लोग भी गए, 50-60 लोग गए थे, विधायक जी के यहाँ भी हुआ है, विधायक जी ने धरना भी दे दो। ओके, बात शासन प्रशासन से, सभी किसान परेशान है, ध्यान नहीं दे रही प्रशासन, ठेकेदारों चाहे ठेकेदार द्वारा ये गड़बड़ी हो या प्रशासन की ढील। मतलब 6 साल में अभी तक निर्माण कार्य नहीं हुआ। 6 साल से किसान सब बैठे हैं, पानी के लिए तरस रहे, बूंद बूंद पानी, वो समुद्र जैसा तालाब भरा है, ये बहुत ज़्यादा पानी है, नदी में पानी बहता जा रहा है व्यर्थ में, पर किसानों को पानी नहीं मिल पा रहा। मतलब 6 साल से अभी तक निर्माण कार्य नहीं हो पा पूरी अभी तक नहीं हो पाया है बिल्कुल। अभी तक निर्माण कार्य कैसे हुआ है? खुदाई करके छोड़ दो, बस 2 साल उन्हें काम चालू रखो तो खुदाई करके छोड़ दो, 4 साल हो गए ऐसे ही डले हो काम। क्या नाम है आपका? कमलेश पटेल नाहरमऊ के हैं भज्जा। हम देखो जा कह रहे भज्जा, हम छोटे से तो किसान हैं यार, और जो नहर चालू भई है जोन, अब एक अता पता नहीं 6 साल में चालू हो रही कि नहीं हो रही है। देखो का है बांध है जो सूरजपुरा बांध, ऐसा भरो है कि जीवन में कोई बांध न भरो भज्जे का गई, लेकिन शासन का कर रहा हो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। 5-6 साल होंगे कि नहर के काम लगने हैं कि नहीं लगने आए, बताओ तन तन सी जमीन है, अब अभी सूख जात, पानी नहीं है यार, वही के भरोसे डरे हैं यार कि भज्जा नहर जब चालू हो जाए पानी मिलन लगे हमारे को लाने यार, बताओ का करन लगे हमारे यहाँ, फांसी टांग के मर जाएंगे, 20-25 गाँव को लाने पानी, मतलब स्वीकृत भाव है, एक खुद पानी नसीब नहीं हो रहा है, बताओ यार। जबकि 6 साल से अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई। अरे कहाँ भाई यार भज्जा, आशा दे जाते मंत्री लोग, मतलब ये ठेकेदार आते हैं यार भज्जा, बस काम लग रहा हो कल से आज तक कल नहीं हो पाओ यार, बताओ। ठीक है भज्जा, कलेक्टर साहब क्यों हुआ है? कलेक्टर साहब सुन रहे हैं मोरू की यार, बताओ क्या गरीब आदमी आए मोरे यार। ये 56 करोड़ लागत से बन रही है नहरमऊ के यहाँ पे, और ये करीब 6 वर्ष से काम अधूरा पड़ा है, पूरा नहर केवल उन्हें खुदाई कर दी है और उसका निर्माण कार्य नहीं किया ठेकेदार द्वारा, और 6 वर्ष हो गए ऐसे अधूरा पड़ा है, जिसके कारण किसानों को वहाँ पानी पर्याप्त नहीं मिल पा रहा। निश्चित रूप से बड़ी गंभीर लापरवाही सिंचाई विभाग की है, करीब करीब 20 गांव इससे प्रभावित हो रहे हैं। बहुत बड़ी योजना थी, कम से कम इससे किसानों के लिए बेहद फायदा होने वाला था, नहरमऊ से लेकर बरकोटी पूरा अंचल जो असिंचित था, लंबे समय से लोगों की मांग थी और इन लोगों की अपेक्षाएं थी कि कहीं ना कहीं एक बड़ी सरकार सिंचाई की सुविधा में बढ़ोतरी के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए होगी, मगर कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों की, सिंचाई विभाग के अधिकारियों की मिली भगत से और निश्चित रूप से ठेकेदार की लापरवाही से वो योजना का लाभ आज किसानों को नहीं मिल पा रहा है। बेहद घटिया काम हुआ है, निर्माण कार्य में बेहद गुणवत्ता का अभाव दिखा गया है। मैंने कई बार इसको पत्राचार भी किया है, वरिष्ठ अधिकारियों को, वरिष्ठ मुख्यालय में मंत्रियों को भी लिखा गया है, मगर दुर्भाग्य की बात है आज तक उसकी सुनवाई नहीं हुई है। मैंने जनांदोलन करने की चेतावनी भी दी है और निश्चित रूप से समय सीमा में यदि ये कार्य पूरा नहीं होता है, इसके लिए निश्चित रूप से किसान भाइयों के साथ चाहे वो जल सत्याग्रह करना पड़ा, चाहे गांधीवादी तरीके से कोई भी आंदोलन करना पड़े, इसके लिए हम लोग बंद होंगे। खबर समय जगत के लिए देवरी से उपेंद्र राय की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।